दोस्तों वेलकम करता हूँ आपका, वेलकम है आपका एग्जॉटिक बर्ड में इंडिया में। और दोस्तों आज की फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको रोज़ेला पैरट। दोस्तों आप देख सकते हो आपको रोज़ेला पैरट के लिए बॉक्स 18 इंची का लगाना है और 10x10 की चौड़ाई रखनी है। और दोस्तों नेक्स्ट बॉक्स लगाने के बाद आपको नॉटेक्स पाउडर एक आता है उसमें यानी डालना है, कीड़े वगौड़े ना हो जाएं। और ये बुरादा आपको दिख रहा है सामने, ये बुरादा डालना है। दोस्तों आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रोज़ेला पैरट में। दोस्तों मेल फीमेल के बारे में कैसे जाने, आप देख सकते हो मेल किस तरह का होता है, फीमेल किस तरह की होती है। तो ये देखिए दोस्तों इधर भी लोटिनो का मेल और फीमेल आप देख सकते हो किस तरह से पहचान की जाती है। तो आपको ये सामने भी दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेल फीमेल, लोटिनो की फीमेल, लोटिनो का मेल है। तो दोस्तों आज आपको फुल जानकारी मिल रही है, कैसे कैसे आपको जानना है वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, मेल फीमेल की कैसे पहचान की जाती है आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पर। कोई दोस्त इतनी बारीकी से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपको क्या खिलाना है क्या पिलाना है। मटर, हरी मटर खिलानी है आपको, ठीक है। और आपको अमरूद खिलाने हैं, अमरूद बड़े शौक़ से खाता है रोज़ेला पैरट। और दोस्तों अनार भी रोज़ेला पैरट बड़े आराम से खाता है। ये आपको हम डाइट के बारे में बता रहे हैं, बॉक्स के बारे में बता चुके हैं। आपका सेब बड़े शौक से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से खाता है। दोस्तों बहुत अच्छा शौक है, सेब खाना बहुत अच्छी बात है, चर्बी नहीं आती है सेब से। और दोस्तों मिक्स सीड, आप मिक्स सीड इस्तेमाल कीजिए, उसमें सनफ्लावर बहुत ही कम मात्रा में दीजिए और जितना बड़ा केस दिया जाए आप उतना बड़ा केस दीजिए। और दोस्तों रोज़ेला पैरट को घास पत्ते बहुत अच्छी खाने का शौक़ है, बहुत ज़्यादातर ये पेड़ों पर घास के मैदानों पे पाया जाता है। और दोस्तों ये घास हरी पत्तियाँ बहुत शौक से खाता है और बड़े आनंद से खाता है। दोस्तों रोज़ेला पैरट एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। दोस्तों इसकी खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं है और इससे खूबसूरत बर्ड मुझे तो कोई लगता नहीं है। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए दोस्तों। और ये रोज़ेला का लोटिनो का मेल है दोस्तों, आप देख सकते हो कितना डार्क लोटिनो रोज़ेला, ये मेल है। फीमेल थोड़े हल्के कलर की होती है, आप पहचान सकते हो। एक भाई ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मेल फीमेल की पहचान बताओ, तो दोस्तों मैंने आपको मेल फीमेल की पहचान भी बताई है, मेल किस तरह से दिखता है, फीमेल किस तरह से दिखती है। जब आपके पास वो बर्ड होगा आप खुद अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो मेल फीमेल किस तरह के होते हैं, किस तरह के लगते हैं, किस तरह के दिखते हैं। मेल की यानी जो साइज़ है वो थोड़ा अलग होता है, फीमेल का साइज़ अलग होता है। आप देख सकते हो सामने ये उल्ली वाली फीमेल है और जो बाजू दीवार की तरफ बैठा वो मेल है। आप देख सकते हो जो मेरे सामने वीडियो में है गोल्ड मेंटल का मेल है, रोबिनो की फीमेल है। आप देख सकते हो फीमेल और मेल में डिफरेंट होता है, मेल हमेशा ज़्यादा सुंदर पाया जाता है, फीमेल इतनी सुंदर नहीं होती है। बाजी फीमेल सुंदर भी होती है ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों बहुत शौक़ से ये कॉर्न्स यानी भुट्टा, ये भुट्टा बड़े प्यार से बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े आनंद से खाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों ये जब ब्रीडिंग पर आते हैं तो दोस्तों 18 मंथ से 24 मंथ तक आ जाते हैं। और आपका अगर केज बड़ा है तो ये पहले भी ब्रीड कर सकते हैं। और दोस्तों आप मिक्स फूड इन्हें दे सकते हैं, मिक्सी में पीस कर दो या किसी चीज़ में पीस कर दो, गाजर हुआ, आपका गोभी, हरी गोभी आती है उसे, वो वाली चीज़ हुई, जितनी भी फरी आती हैं वो भी खाता है ये, शिमला मिर्च वगैरह, सेब, संतरा, ये हर चीज़ खाता है। अगर अच्छी तरह से आप दोगे ये सब खाएगा, काट के आप पूरा का पूरा रख देंगे बिल्कुल नहीं खाएगा। और आप दोस्तों रात को जब मूंग की दाल गला के पानी में रख दोगे तो सुबह आप उसे दोगे तो ये भी बड़े शौक से खाता है। दोस्तों मूंग की दाल हुई, ये बड़े शौक से खाता है मूंग की दाल। और आपके चने हुए दोस्तों,
बड़े शौक से खाते हैं। और दोस्तों रोज़ेला पैरट जितनी बड़े यानी केस दोगे उतना ही बढ़िया है। ये आपके चना आ गए दोस्तों, आपको चना भी इस्तेमाल करने हैं। डाइट में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें खाता है ये, जितना अच्छी डाइट दोगे उतना अच्छा आपका बर्ड रहेगा, उतनी अच्छी आपकी ब्रीडिंग आएगी। और आप देख सकते हो दोस्तों मेरे भी पेयर काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। और दोस्तों ब्रीडिंग टाइम इसका आता है यानी कि अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक, इसके बाद आप ब्रीड ना लें, क्योंकि हर किसी के यहाँ पर पंखा कूलर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मेंटली टेम्परेचर दोस्तों इसके लिए 30 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए दोस्तों। 30 टेम्परेचर इसके लिए ब्रीडिंग के लिए सही है, इससे अगर ऊपर ठहरती थे ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो दोस्तों ये मर भी सकता है, और दोस्तों मर गया तो आपका पेयर बिगड़ जाएगा, फिर फीमेल आपको आसानी से नहीं मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे जो बर्ड है हमें इनकी बहुत अच्छी तरह से केयर करनी पड़ती है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, इसको क्या देना है खाने को हर चीज़ ये खाता है, और इसे अदल बदल के ये चीज़ खिलाते रहिए, और इस खूबसूरत बर्ड को बड़े प्यार से रखिए। और अभी मैंने एक दोस्त के पास देखे थे रोज़ेला पैरट नहीं कोकाडेल्स, तो उसके यहाँ पर भैया ना तो पंखा था ना कूलर था, और बिना कूलर पंखे के ही वो रख रहे थे। दोस्तों पता नहीं कैसे लोग हैं, उनसे ब्रीड लेते हैं, बच्चे सेल करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई सेफ्टी या कोई भी साधन उनके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों कभी भी अपने बर्ड को, कोई भी बर्ड हो, कभी बाजरा वगैरह ये ना दें, गर्मी में गर्मी करता है बहुत ज़्यादा, ना ठंड में दें, आपके जो बर्ड के बच्चे निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं कभी बाजरा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना बजरी के लिए ना किसी के लिए। दोस्तों आपके लिए इतनी जानकारी दे रहा हूँ मैं, और इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी भाई बर्ड को परेशान दुखी ना रखे। और जितनी भी डाइट है इसकी मैंने आपको सारी शेयर की है, और आप भी उस चीज़ पर ध्यान रखिए। अगर रोज़ेला पालने का शौक है आपको तो रोज़ेला प्यार से पालिए, रोज़ेला बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है दोस्तों, गोल्ड मेंटल रूबिनो रोज़ेला आपका रेड फेरी हुआ, और सारे इम्पोर्टेंट बर्ड हैं रोज़ेला, कुछ हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ दिन बाद वो भी लेंगे और उनकी भी हम आपको वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। दोस्तों आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इस चैनल पे एग्जॉटिक बर्ड पर। और दोस्तों ऐसे ही आपने जो पहले प्यार दिया है पिछली वीडियो पर, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को बढ़ाने में आप लोगों मदद भी कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, चलिए दोस्तों बाय। कम टेम्परेचर में ब्रीडिंग करते हैं, तो दोस्तों गोल्ड मेंटल वगैरह ये तो हर जगह ब्रीड कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से ब्रीड करते हैं, इम्पोर्टेंट बर्ड वो ब्रीड नहीं कर पाता है, रेड क्रिमेंसन हुआ आपका,
मिली भी दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ब्रीड कर।